हजारों वर्ष तक जो है यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। अच्छा। और हाइट बहुत ज्यादा है, पता है इसकी दिख कम रही है। हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं अपनी नानी के गांव में गई थी, कुंजोली गांव में। तो आज है 11 जून, तो आज मैं आ रखी हूँ लैंसीडॉन में। तो अभी जस्ट हम लोग पहुँचे, अभी 9 बज चुके हैं और आज हम लोग जा रहे कालेश्वर मंदिर में। तो ये रहा कालेश्वर मंदिर का रास्ता, तो अब चलते हैं, आप लोगों को मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और मैं आ रखी हूँ अपनी फैमिली के साथ, जैसे कि मौसी लोगों के साथ, मम्मी लोगों के साथ, उनसे भी मैं आपको मिलाऊँगी। तो चलते हैं, आपको लैंसीडॉन मार्केट अब घुमाया जाता है। और हमारा हो चुका है ब्लॉग स्टार्ट, है हम लोग ने भुलिंगर और महादेव से बोली बाबा की जय। तो चलो जय कालेश्वर। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं और ये रहा रास्ता कालेश्वर मंदिर जाने का। और ये रही मम्मी। हेलो। ये देखो लैंसीडॉन की पुरानी दुकानें, ऐसे छोटी छोटी होती थी। लैंसीडॉन बिल्कुल भी चीज, और मेन बात है कि मैं भी लैंसीडॉन में ही हो रखी हूँ। हमारे टाइम पे ऐसे था, अभी भी ऐसे। हमारा मेन बाजार लैंसीडॉन है, मार्केट से। हाँ, मम्मी की यहाँ से लैंसीडॉन का रास्ता आधे घंटे का, आधे घंटे का रास्ता है। हाँ, तो नानी के घर से ना लैंसीडॉन मतलब एक घंटे का रास्ता था, तो हमने कहा चलो लैंसीडॉन घूम के आते। और ये देखो पुरानी बिल्डिंग है। हाँ, नानी के घर आए लैंसीडॉन नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे मौसी लोग क्या कर रहे हैं, आते ही यहाँ पे शॉपिंग। हेलो, ये दिव्या है, सामान लेने लग गई है। और ऋषि मौसी, अब बोलो हेलो। हेलो। लैंसीडॉन मार्केट घूमने लग गए आप, यहाँ पे शॉपिंग करे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं ऊपर के रास्ते, कालेश्वर मंदिर जा रहे हैं हम लोग। और मैं भी पहली बार जा रही हूँ कालेश्वर मंदिर, बाकी तो मैं बचपन में तो जा रखी हूँ क्योंकि मैं यहीं की हो रखी हूँ, पर कभी जैसे कि लैंसीडॉन आए नहीं हो पा रहा था जाना। आज हम फाइनली जा रहे हैं। और ये मंदिर है शिव जी जी का। ये है रास्ता लैंसीडॉन के घर है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि मैं एक बार बहुत पहले आई थी लैंसीडॉन में कालेश्वर मंदिर में। मुझे याद आ गया, जब मेरे पापा रिटायर हुए थे मतलब 5 साल पहले, मैंने दर्शन कर रहे हैं वहाँ मंदिर के, एकदम से मुझे याद आया। अब चलते हैं अब मंदिर में। तो दोस्तों, ये रहा रास्ता कालेश्वर मंदिर जाने का। और यहीं पर ही मेरे को एक बहुत पुराना घर देखने के लिए मिला है, तो चलो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखो कितना पुराना मकान है, अब ये तो पक्के मकान है, बाकी ये देखो पुराने हैं। तो चलो, तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। ये रहा मंदिर जाने का रास्ता, और हम लोग इस रास्ते जैसे कि आए थे, चलते हैं। वो रहा मंदिर। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। अच्छा।
तो दोस्तों चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ले चुका है शिवलिंग में पानी डालने के लिए। फ्रेंड्स ये रहा कालेश्वर मंदिर और ये रहा शिवलिंग और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे भगवान जी। दोस्तों ये रहे हनुमान जी। तो दोस्तों ये है राख और अभी मुझ पर राख लगाई गई, अभी जला रखी है। और यहाँ पे और मंदिर भी है राम जी सीता जी लक्ष्मण जी की और हनुमान जी की छोटी सी। तो दोस्तों ये रहे सारे के सारे मंदिर, मैंने जो आपको भी दर्शन करवाए। तो अब चलते हैं बाहर मंदिर से। ये हम आ गए मंदिर से बाहर, तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी तो अच्छे से दर्शन भी हो गए और आप लोगों को भी करवा दिए। दोस्तों आप लोगों ने कालेश्वर मंदिर के दर्शन कर दिए गए। यहाँ पे ना मेरे को पंडित जी मिले हैं, मैं इनको जानती हूँ, उन्होंने ही मेरी मम्मी और पापा की शादी भी करवाई थी। नाना जी है और हाँ जी और थोड़ा नाना जी आप ये बता दीजिए थोड़ा मंदिर के बारे में। शिवलिंग मैंने देखा, थोड़ा अलग देखने के लिए मिला मुझे, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए आप। अलग देखने को इसलिए मिला, हाँ जी ये स्वयं वो है, अपने आप प्रकट हुआ है। अच्छा अपने आप हुआ है, हाँ, हाँ तब जाके छोटा लग रहा है ना। हाँ छोटा सा था, छोटा सा मुंह, हाँ छोटा लगता है। तो यहाँ ये शिव जी अलग हुए 5,000 साल पहले, ये देवभूमि है, यहाँ ऋषि थे कालुन ऋषि, हाँ जी उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, उनको भगवान कालेश्वर जो है दर्शन हुए थे, तब भगवान ने उनको वचन दिया था कि हम यहाँ जो है स्थापित होंगे। तो तब जो है यहाँ पर भगवान शिव कालेश्वर प्रकट हुए और तब इसका नाम कालेश्वर पड़ा। अच्छा ये है रहस्य। अच्छा अच्छा इसी के वजह से। और यहाँ जो है ये भूमि है, इसमें जो है हजारों वर्ष तक जो है यहाँ ऋषि मुनि ने तपस्या की है। अच्छा और ये कालू ऋषि की वजह से जो है ये शिवलिंग हुआ है, ये प्राकृतिक हुआ है, इसलिए स्वयं वो है। और जो बाहर से तब मंदिर बाद में बना है, इसमें यहाँ झाड़ियाँ थी, जंगल था बहुत बड़ा, हाँ। यहाँ आसपास गांव की गाय चुगती थी। अच्छा तो किसी की गाय यहाँ अपने आप अपने थन से उस झाड़ी में दूध को गिराती थी अपने थन से अपने आप। अच्छा शिवलिंग, अच्छा जो तब उस ग्वाले ने उसका पीछा किया, हाँ जी। कि गाय जो है घर में आके दूध नहीं देती क्या बात है। तब उसने पीछा किया तो उसने देखा कि गाय अपने आप अपना दूध जो है झाड़ी में दे रही, इस झाड़ी में क्या है। झाड़ी हटाई, हाँ। वहाँ इसने पत्थर नमूना कोई, हाँ जी शिवलिंग जी। फिर उन्होंने यहाँ के लोगों ने उसको उठाना चाहा, हाँ। यहाँ जंगल है, हाँ। हम इसको सिद्ध है, हाँ। भगवान है, इसको कहीं स्थापित करते हैं दूसरी जगह, हाँ। लेकिन क्या हुआ वो खोद नहीं पाए, जितना खोदा उसने नीचे नीचे किया। तब यहीं पर थोड़ा सा एक मंदिर बना, हाँ। और तब धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ, विस्तार हुआ। ये 5,000 साल पहले की बात है जब कालू ऋषि ने, और तुम यहाँ जो है अब हजारों सालों से जो है पूजा हो रही है, हाँ। पूजा अर्चना हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले भी यहाँ पे हुआ था प्रोग्राम वगैरह भी, जैसे जागरण, हाँ। वगैरह हुआ था। साल भर में एक बार होता है वो, साल भर में एक बार, अभी 5 तारीख को 5 जून को, हाँ मैं नहीं आ पाई थी उस समय, बट मैं 3 दिन की पूजा हुई, हाँ जी। और 5 तारीख को भंडारा था बहुत बड़ा, हाँ जी। हर साल पूजा होती है, वार्षिक पूजा होती है, और हर एक इस क्षेत्र के 84 गाँव है, जो जैसे इस 84 गाँव का सिद्धपीठ है ये,
ग्राम देवता है। हाँ, तब जाके इसकी पूजा होती है। हाँ, किसी गाय भी आती है, दूध देने वाली होती है। हाँ, तो सबसे पहले पूजा करके 11 दिन में पूजा करने के बाद उस दूध को यहाँ चढ़ाया जाता था शिव जी को। अच्छा। और तब उसको खाते थे, ऐसी मान्यता है। अनाज उनाज होता था पहले, अग्याल यहाँ चलती थी, यहाँ प्रसाद उत्साह बनता था, तब उस अन्न को लोग खाते थे, इसलिए क्षेत्रीय। हाँ, तो मैं सोचा जिन जिन लोगों को नहीं पता होगा मंदिर का रहस्य, तो मेरे को भी अच्छे से नहीं पता था, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया हमारे सारे दर्शकों को, पता होना चाहिए। कहीं भी जाना है बच्चों को, हाँ जी, वहाँ के विषय में जानकारी जानकारी नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत पता था, बाकी आपने बहुत अच्छे से बना दिया। हाँ, वही बस फोटो सीमित होगी, वही मैंने कहा ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो लोगों तक पहुँचे, पता चले कि क्या है रहस्य, ऐसा नहीं कि मंदिर गए दर्शन करने बस हो गए, पता रहस्य भी पता होना चाहिए। तो धन्यवाद, आपने मेरे को बहुत अच्छा बता दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख दिया होगा कि पंडित जी ने क्या क्या बताई, मेरे को ही थोड़ा बहुत पता था, मैंने सोचा जब मंदिर में आ रखे तो मंदिर का रहस्य भी पता होना चाहिए। तो अब चलते मम्मी लोगों के पास, देखते हैं वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं। मौसी क्या कर रहे हैं आप? मौसी उस डाल में डांस करने के लिए जा रही है, मैं आपको दिखाऊंगी यहीं से ही। अभी मेरी मम्मी ने फोटो खींची और कुछ इंस्टाग्राम पर रील बनाए, मम्मी को पता नहीं क्या जोश चल रहा है कि मैं यहाँ से कूद मार रही हूँ, और हाइट बहुत ज्यादा है पता है इसकी, दिख कम रही है ये, कोई हाइट नहीं है चार। हम है पक्के पहाड़ी, पक्के गढ़वाली। तो दोस्तों, हम लोग कालेश्वर मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं, और छोटे छोटे यहाँ मंदिर देखने के लिए मिले हैं। तो चलते है, देखो पेड़ के बीच में देखो कितना तो पुराना है। और यहाँ पे भी एक मंदिर है, ये देखो शिवलिंग है छोटा सा। तो ये काफी पुराने मंदिर है, ऐसे इनको मतलब सजा रखा है, मतलब सबसे पहले हम लोग गए थे कालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसी के पास यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हम लोगों को जैसे कि देखने के लिए मिले, और अभी और लोग भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो अब चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके कालेश्वर मंदिर से, अब हम लोग जा रहे हैं, और इस मंदिर से हम लोग बाहर निकले इधर की तरफ, इतना अच्छा व्यू है, एकदम ठंडी हवा आ रही है, ये देखो। तो ये देखो लैंसी डॉन एरिया, सामने देखोगे मंदिर से हम वापस आ रहे हैं, और ये देखो हम पूरी तरीके से थक गए, नीचे जाते समय तो मजा आया, ऊपर आते समय हालत खराब। मौसी थक गए, ऊपर आते समय बहुत ज्यादा हाइट है, हैं? हाँ, ऐसी हाइट में ना, ऐसे में ओहो, मेकअप तो नहीं उतरा? मेकअप कर रही हूं, मेकअप छेड़ वाली, हम मेकअप करते नहीं, बिना मेकअप के सुंदर लगते हैं, सुंदर लगते हैं। हम मेकअप करेंगे तो पता नहीं क्या लगेंगे जैसे लोग करते हैं। ये देखो कितनी, मतलब नीचे भाई बोल रही थी मैं, इन दोनों को देखे दोनों तो चल भी नहीं पा रहे, एक को एक धक्का दे रहे, एक को एक धक्का दे रहे कि तू आगे चल, तू आगे चल। कितना अच्छा लग रहा है। मौसी फाइनली इतना पहुंच ही गई है, मेन रोड अब आ गई है। तुम्हें क्या हो गया उर्वशी, ऊपर आते समय क्या हालत खराब हो गई क्या? ये तो बात भी नहीं कर पा रही है। तो चलो हम तो चलते हैं मौसी के साथ। मम्मी आगे चली गई है। देखो पहले की दुकानें, नीचे जाते समय तो हम लोगों को ना सबको बहुत मजा आया, ऊपर आते समय हम सबकी हालत ऐसी खराब हो गई है। देखो मौसी को देखो, इन दोनों को देखो, रोशनी और दिव्या को। ओहो, मम्मी भी यहाँ पे साइड में खड़ी हो गई। जीरो तो सेम वैसे ही लग रहा जिसमें मैंने देखा था।
फ्रेंड्स हम लोग आ गए कालेश्वर मंदिर से दर्शन करके, अब हम लोग कहीं और जा रहे हैं लैंसीटॉन घूमने के लिए। वो आपको दूसरे ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय, नेक्स्ट लैंसीटॉन वाले।